Hey guys, Satish here, I'm back with another video. Guys, ये video OpenShot Video Editor Tutorial पे based है and इस video में हम complete OpenShot के बारे में सीखेंगे. अगर मैं OpenShot के बारे में बात करता हूँ आपसे तो ये एक free open source cross platform video editor है जो कि Windows, Linux और Mac तीनों operating system के लिए completely free है और ये top 5 free video editors की list के अंदर आता है. तो ये काफ़ी अच्छी choice हो जाती है एक beginners के लिए जो अपनी पर्सनल वीडियोस को एडिट करना चाहता है और वीडियो एडिटिंग सीखना चाहता है, और एक यूट्यूबर के लिए जिसने अभी नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है. तो गाइस ये दोनों के लिए काफ़ी अच्छी चॉइस है. इसके अंदर आप आसानी से वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं और इसको डाउनलोड करना भी काफ़ी आसान है. तो इसको जो डाउनलोड करने का लिंक है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा. उस लिंक को आप फॉलो करके आसानी से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो. और गाइस एक चीज़ मैं और बताऊँ आपको, तो इसमें जब वीडियो आप एडिटिंग करके जो भी एक्सपोर्ट करते हो, जब एक्सपोर्ट करने के बाद इसमें कोई वाटरमार्क नहीं आता जो कि बहुत अच्छा फीचर है. तो गाइस चलिए चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे जहां हम करते हैं और सीखते हैं वीडियो एडिटिंग. गाइस जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने OpenShot वीडियो एडिटर ओपन कर लिया है. इसके हम इंटरफेस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं. इंटरफेस की अगर मैं बात करूँ तो ये वीडियो प्रीव्यू एरिया होता है, ये टाइमलाइन एरिया होता है, ये ट्रैक्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ ट्रैक्स होते हैं, एंड ये प्रोजेक्ट फाइल्स, ट्रांजिशंस एंड इफेक्ट्स. ये टैब्स यहाँ पर डिफ़ॉल्ट यहाँ पर रहते हैं. ये एरिया होता है, ये टैब बार एरिया होता है, ये फाइल मेन्यू, एडिट, टाइटल, व्यू और हेल्प मेन्यू. तो इसके बारे में बात करते हैं. न्यू प्रोजेक्ट यहाँ से ओपन कर सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट पे आपने वर्क किया ऑलरेडी तो उसको ओपन कर सकते हैं. अभी रिसेंट जो प्रोजेक्ट आपने वर्क किया है यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं, सेव प्रोजेक्ट एज कर सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट को आप दूसरे नेम से सेव कर सकते हैं, फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं, प्रोफाइल चूज़ कर सकते हैं. ये देखिए प्रोफाइल चूज से मतलब है मेरा कि आप किस प्रोफाइल पे अभी आप इसके अंदर OpenShot के अंदर वर्क करना चाहते हैं. 720p 30fps ये डिफ़ॉल्ट यूट्यूब के लिए अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो इस प्रोफाइल पर आप वर्क कीजिए, ठीक है. एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो और क्विट कर सकते हैं. एडिट मेन्यू के अंदर अंडो, रेडो, क्लियर हिस्ट्री, प्रेफरेंसेस देख लेते हैं. प्रेफरेंसेस के अंदर आप लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं. डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, एंड अगर आप किसी और लैंग्वेज में वर्क करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं. डिफ़ॉल्ट थीम ह्यूमैनिटी डार्क है जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे. अगर आप लाइट थीम पे वर्क करना चाहते हैं तो लाइट थीम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं. इमेज की लेंथ, वॉल्यूम, ब्लेंडर कमांड पाथ, यहाँ पर आप ब्लेंडर का पाथ ऐड करते हैं. अगर आप किसी टाइटल के अंदर एनिमेशन ऐड करना चाहते हैं तो आपको ब्लेंडर इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड उसका पाथ यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा. इमेज एडिटिंग के लिए इंक स्केप का यूज़ होता है, सेम चीज़ अप्लाई होती है यहाँ पर भी. इंक स्केप आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका पाथ यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा. प्रोफाइल जैसे कि अभी हमने यहाँ पर बात करी थी, प्रोफाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, ये सेम चीज़ वही है, ठीक है. एंड मेन चीज़ यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट्स दे रखे हैं. तो अगर आप चाहते हैं कि OpenShot के अंदर जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज़ होते हैं उसको आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि आप ऐड मार्कर, कंट्रोल एम, ऐड ट्रैक, कंट्रोल शिफ्ट और टी का यूज़ कर सकते हैं, ऐड टू टाइमलाइन, एनिमेटेड टाइटल, चूज प्रोफाइल, जो भी हमने प्रोफाइल की सेटिंग करी थी तो उसको हम यहाँ से भी कंट्रोल प्लस टी करके भी वो सेटिंग ओपन कर सकते हैं, ठीक है. इस तो ये शॉर्टकट्स दे रखे हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं. बट कुछ अगर अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं लेफ़्ट की जगह आप राइट की का यूज़ करें प्रीवियस फ्रेम के लिए, तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं शॉर्टकट अपने अकॉर्डिंग, ठीक है. तो मुझे कोई चेंजेस नहीं करने, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ. और यहाँ पर अगर टैब बार की बात करूँ तो ये सेम चीज़ जो फाइल मेन्यू के अंदर, तो सारी चीज़ें यहाँ पर ये शॉर्टकट के टाइप पर दे रखी है. देखिए चूज़ प्रोफाइल, फुल स्क्रीन पे अगर आपको वर्क करना है, अगर आपकी लैपटॉप की स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन छोटी है तो आप यहाँ से फुल स्क्रीन कर सकते हैं. देखिए ऐसे ये फुल स्क्रीन में हो जाएगा. देन दोबारा से अगर छोटा करना चाहें इस पर क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक है. इस तो और यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एंड यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको हम ऐसे करके छोटा बड़ा कर सकते हैं. वीडियो प्रीव्यू एरिया को, टाइमलाइन एरिया को यहाँ से सेट कर सकते हैं. अगर इस टूल की मैं बात करता हूँ तो ऐड ट्रैक, यहाँ से ट्रैक ऐड कर सकते हैं. अभी आप देख सकते हैं कि 5 ट्रैक्स हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है. तो 5 ट्रैक हैं यहाँ पर. अगर किसी ट्रैक को रिमूव करना है
जैसे 4 को, तो मैं यहाँ से रिमूव ट्रैक कर सकता हूँ। ये देखिए ये ट्रैक रिमूव होते जा रहे हैं। अब मुझे ट्रैक ऐड करना है, तो यहाँ से ऐड ट्रैक पे क्लिक करूँगा तो ये ट्रैक ऐड हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ से भी कर सकता हूँ मैं ऐड ट्रैक अबव, इसके ऊपर एक ट्रैक ऐड कर सकता हूँ या इसके नीचे। एंड ट्रैक को रीनेम कर सकते हैं हम यहाँ से, ये देखिए ट्रैक 3 को कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। एंड ट्रैक को लॉक कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं ट्रैक, ठीक है। ये टूल होता है स्नैपिंग टूल होता है। जब मैं वीडियो भी इंपोर्ट करूँगा तब आपको इन टूल्स के बारे में बताऊँगा थोड़ा, ठीक है। अभी आप ऐसे समझ लीजिए थोड़ा। स्नैपिंग टूल, ये रेजर टूल होता है वीडियो को स्प्लिट करने के लिए। ये मार्कर टूल, और ये प्रीवियस मार्कर पे जितने भी मार्कर आपने ऐड किए प्रीवियस मार्कर पे जाने के लिए, एंड ये नेक्स्ट मार्कर पे जाने के लिए। एंड ये जो होता है ये जूम के लिए होता है गाइज। अभी जो जूम है ये 15 सेकंड्स का जूम है। अभी आप देख सकते हैं 15, 30, 45, तो 15 सेकंड का जूम है। यहाँ से अगर आप कम करना चाहें तो आप देखिए अब 20 सेकंड का हो गया। यहाँ से आप जूम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो गाइस ये था इंटरफेस। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम वीडियो को किसी इम्पोर्ट करते हैं। किसी वीडियो को इम्पोर्ट करने के लिए आप यहाँ से इम्पोर्ट फाइल पे क्लिक कर सकते हैं, या कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस F का यूज़ कर सकते हैं, या आप जिस भी फोल्डर के अंदर है आपकी वीडियो ऑडियो या इमेज फाइल उस पर जाएंगे आप। अगर सिंगल फाइल को आपको इम्पोर्ट करना है तो आप इसको सिंपली ड्रैग कर लीजिए वहाँ पर। अगर आप मल्टीपल फाइल को ऐड करना चाहते हैं तो मल्टीपल फाइल आप सेलेक्ट कर लीजिए, देन इसको ड्रैग करके यहाँ पर आके यहाँ ड्रॉप कर दीजिए। ये देखिए ये फाइलें, तीनों वीडियो फाइल ऐड हो चुकी है। और इसके अंदर एडिटिंग करने के लिए हम इसको किसी भी फाइल को, जैसे कि मैं ये फाइल होती है इसको यहाँ पर टाइमलाइन एरिया पे लाना होता है, तो इसको मैं ऐसे करके ले आता हूँ। तो अब एडिटिंग इसके अंदर मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो गाइस मैंने ये वीडियो यहाँ पर टाइमलाइन एरिया पे ऐड की है, एंड इसको मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये वीडियो प्ले हो चुकी है। गाइस जो थोड़ी बहुत लैगिंग होती है इसको आप इशू मत समझिए, क्योंकि जब आप वीडियो को एक्सपोर्ट करोगे एडिट करके तो इसमें कोई भी लैगिंग नहीं आती है, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। ये देखिए गाइस मैं इस टूल के बारे में आपको बता रहा था, एक और वीडियो जैसे कि मैं ऐड कर लेता हूँ, इस टूल को आपको समझाता हूँ। देखिए अभी ये स्नैपिंग इनेबल हो रखी है, तो जैसे ही मैं इस वीडियो के पास में लेके जाता हूँ तो एक दूसरे से ही स्नैप हो जाती हैं। ये देखिए अगर इस टूल पर मैं हटा देता हूँ क्लिक, देन अगर इसको पास में लेके आता हूँ तो ये नहीं स्नैप होती है। तो आप स्नैपिंग को इनेबल कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जो भी वीडियो के अंदर आपको वो गैप ना मिले, ठीक है। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको रिमूव कर देता हूँ, इस क्लिप को, अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। गाइस अब हम देखते हैं कि कैसे हम किसी वीडियो को स्प्लिट कर सकते हैं, या ट्रिम कर सकते हैं किसी वीडियो को। जैसे कि अभी मुझे समझ लीजिए ये वीडियो को स्प्लिट करना है, तो मैं इस रेजर टूल का यूज़ करूँगा। रेजर टूल पे क्लिक करूँगा और जिस भी पार्ट को वीडियो को मेरे को स्प्लिट करना है उस पर ऐसे क्लिक करूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पर ऐसे करके क्लिक करूँगा तो ये वीडियो आपकी स्प्लिट हो चुकी है। एंड देन इस पार्ट को सेलेक्ट करूँगा मैं, एंड डिलीट की यूज़ करके इसको रिमूव कर दूँगा, ठीक है। देन इसको यहाँ से ऐसे करके स्नैप कर दूँगा, ठीक है। तो ये देखिए तो ऐसे हम करते हैं गाइस स्प्लिट, किसी वीडियो को स्प्लिट या ट्रिम कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। और जो भी हमने, अगर मान लीजिए आप उस चेंजेस से सेटिस्फाई नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप दोबारा से कंट्रोल जेड कर सकते हैं। तो आपने जो चेंजेस किए हैं कंट्रोल जेड आप करते रहिए। ये देखिए कंट्रोल जेड करके आप दोबारा से चेंजेस को अंडू कर सकते हैं। गाइस अब हम देखते हैं कि हम किसी वीडियो के अंदर और फेड इन और फेड आउट का इफ़ेक्ट कैसे लगा सकते हैं। अभी देखिए मैंने ये कुछ वीडियोस इंपोर्ट की है, एंड अभी आप देख सकते हैं कि मैं प्ले कर देता हूँ पहले वीडियो। अभी इसके अंदर कोई भी फेड इन का इफ़ेक्ट नहीं है। अभी देखिए वीडियो कितनी जल्दी आ जा रही है। अभी कोई भी फेड इन और फेड आउट का इफ़ेक्ट नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट है ये वीडियो के अंदर ऑलरेडी है। ये देखिए अभी मुझे फेड इन इफ़ेक्ट इसके अंदर लगाना है, तो मैं सिंपली इस वीडियो पे राइट क्लिक करूँगा एंड फेड अगर स्टार्ट ऑफ द क्लिप लगाना है, क्लिप के स्टार्टिंग में लगाना है, तो मैं फेड इन लगाऊंगा, फेड इन फास्ट। ये देखिए अब फेड इन हो रहा है गाइस।
दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, अब फेड आउट भी लगा देता हूँ राइट क्लिक करके, एंड देन एंड ऑफ द क्लिप, फेड आउट फास्ट। ठीक है, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। सो गाइस, ऐसे हम फेड इन और फेड आउट किसी भी वीडियो पे आसानी से लगा सकते हैं। गाइस, अब हम देखेंगे कैसे हम किसी वीडियो की ऑडियो को रिमूव कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो जैसे कि मैंने ये वीडियो आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर साउंड है, ठीक है। तो इसका साउंड मुझे अगर रिमूव करना है तो इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा, देन यहाँ से सेपरेट ऑडियो सिंगल क्लिप ऑल चैनल्स इस पर क्लिक करूँगा, देन ये आप देख सकते हैं ये ऑडियो अलग हो चुकी है इसकी। मैं प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है, देख सकते हैं आप अलग हो चुकी है। देन इस ऑडियो को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, इसको मूव कर देता हूँ। अब देखिए इसके अंदर कोई भी ऑडियो नहीं आएगी, ये देखिए, तो इसकी ऑडियो रिमूव हो चुकी है, मतलब ऑडियो अलग हो चुकी है। और इस ऑडियो का मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ से रिमूव क्लिप कर सकता हूँ, तो ये ऑडियो रिमूव हो जाएगी। कीबोर्ड शॉर्टकट और डिलीट की का भी यूज़ कर सकता हूँ, और इसके अंदर कोई और भी ऑडियो यूज़ कर सकता हूँ मैं। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर दिखा देता हूँ आपको, एक दूसरा ट्रैक मैं यहाँ, ये ऑडियो ट्रैक मैंने ऐड कर लिया यहाँ पर, देन इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ले आऊँगा, इसको स्प्लिट कर लूँगा मैं यहाँ से। देन जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको डिलीट कर दूँगा। अब मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। देखा गाइस, और इसका वॉल्यूम भी हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से वॉल्यूम, अगर बैकग्राउंड म्यूजिक इसको ऐड करना है तो यहाँ से वॉल्यूम कम कर सकते हैं, यहाँ से लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं 50%। अब प्ले करके देखते हैं, देखिए 50% हमने कम कर लिया है। और कम करना चाहेंगे हम इसको, फिर दोबारा राइट क्लिक करके वॉल्यूम पे क्लिक करके एंटायर क्लिप, देन इसको 30% पे भी कर सकते हैं। अब प्ले करके देखते हैं, देखिए गाइस, तो ऐसे हम किसी वीडियो का ऑडियो रिमूव कर सकते हैं, उसकी जगह किसी दूसरी ऑडियो फाइल को ऐड कर सकते हैं, और किसी भी वीडियो के अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। गाइस, अब हम देखेंगे कैसे हम दो वीडियोस के बीच में या और भी वीडियोस के बीच में कैसे हम ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं। गाइस, ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड करने के लिए मैंने दो वीडियोस को टाइमलाइन एरिया पे इंपोर्ट कर लिया है। मैं प्ले करके दिखा देता हूँ आपको, इसके अंदर अभी कोई भी ट्रांजिशन नहीं है। ये देखिए, अभी इन दोनों वीडियोज़ के बीच में कोई भी ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है। तो गाइस, ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड करने के लिए हमको क्या करना होगा, एक वीडियो को सेलेक्ट करेंगे एंड ऐसे दूसरी वीडियो पर ऐसे करके हम ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ दोनों वीडियोस के बीच में इफेक्ट ही ट्रांजिशन इफेक्ट क्रिएट हो गया है। अब मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप कितना स्लो फेड इन इफेक्ट, इसके अंदर ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड लगाया अभी दोनों वीडियोस के बीच में। और इस ट्रांजिशन को हम यहाँ से रिसाइज भी कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए कितना स्मूथ हो गया, ठीक है। और गाइस, ट्रांजिशन इफेक्ट का एक और तरीका है, मैं इसको अंडू कर देता हूँ पहले, ठीक है। एंड इस वीडियो पे मैं क्लिक करूँगा, देन राइट क्लिक करूँगा, देन एनिमेट एंड ऑफ द क्लिप सेंटर टू एज, सेंटर टू मैं राइट करूँगा इसको, एंड ऑफ द क्लिप। देन इस वीडियो को स्टार्टिंग में मैं एनिमेशन ऐड करूँगा,
animate start of the clip, then left से center. अब play करके देखते हैं. ये देखिए तो हम स्टार्टिंग में भी ऐसे ऐड कर सकते हैं और एंडिंग में भी अपने अकॉर्डिंग हम ऐड कर सकते हैं. सो गाइस, ऐसे हम किसी भी वीडियो के अंदर ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं. और भी तरीके हैं, यहाँ से भी क्लिक करके ट्रांजिशन पे, बहुत सारी ट्रांजिशन है, यहाँ से क्लिक करके एंड सिंपली यहाँ से क्लिक करके इस पर ड्रॉप कर देंगे, ऐसे भी ट्रांजिशन इफेक्ट को हम ऐड कर सकते हैं. तो मैंने आपको तरीका बता दिया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी ट्रांजिशन को ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं. ठीक है गाइस, अब हम देखेंगे कैसे हम किसी वीडियो के अंदर टाइम लैप्स इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, किसी वीडियो की टाइम ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं, या फिर कैसे हम किसी वीडियो में स्लो मोशन इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, टाइमिंग ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं किसी वीडियो की. मैं ये वीडियो प्ले करके आपको दिखा देता हूँ. सबसे पहले ये देखिए, नॉर्मल वीडियो चल रही है. देख सकते हैं आप गाइस, मुझे इसको टाइम लैप्स बनाना है, तो इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा, देन टाइम क्लिक करूँगा, देन इसके बाद में फास्ट फॉरवर्ड 8x. 8x या अपने अकॉर्डिंग वीडियो को जैसे भी हमको सेट करना है इसको कर सकते हैं. मैं 8x कर देता हूँ. तो ये देख सकते हैं कि वीडियो की ड्यूरेशन कम हो चुकी है. अब मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ. ये देखिए गाइस, गाइस वीडियो के अंदर थोड़ी लैगिंग हो रही थी, बट वो जब एक्सपोर्ट करोगे आप तो लैगिंग नहीं होगी. डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, मैं तो अंडू कर देता हूँ चेंजेस सारे. अब गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप स्लो मोशन बना सकते हो इसी वीडियो को. मैं राइट क्लिक करूँगा, टाइम, देन स्लो फॉरवर्ड 1/4 कर देता हूँ मैं. तो देख सकते हैं आप कैसे वीडियो की ड्यूरेशन कितनी काफ़ी बढ़ गई है. अब मैं इस वीडियो को प्ले कर देता हूँ. देख सकते हैं आप, तो ये स्लो मोशन इफेक्ट क्रिएट हो गया गाइस. तो देख सकते हैं, तो गाइस ऐसे आप टाइम लैप्स किसी वीडियो का बना सकते हैं या आप स्लो मोशन बना सकते हैं किसी वीडियो का. आई नो ये वीडियो इन दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा सुटेबल तो नहीं थी, बट मैंने आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए दिखाया. तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी वीडियो पे टाइम लैप्स या स्लो मोशन बनाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको वीडियो को चूज़ कर सकते हैं. गाइस अब हम देखेंगे कैसे हम किसी वीडियो के अंदर टाइटल्स को ऐड कर सकते हैं या टेक्स्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं. इसको ऐड करने के लिए गाइस हमको टाइटल मेन्यू पर क्लिक करना होगा, देन टाइटल. यहाँ देख सकते हैं कि कुछ ऑलरेडी ये टाइटल के कुछ सैंपल दिए गए हैं, तो मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ. जैसे कि मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन यहाँ से हम फाइल का कुछ भी नेम दे सकते हैं. मैं देता हूँ गर्ल इन स्लो मोशन, यानी यहाँ से भी सेम चीज़ टाइप कर देता हूँ. ठीक है, एंड यहाँ से हम फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट किस टाइप का है वो सिलेक्ट कर सकते हैं. तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड फ़ॉन्ट साइज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. फ़ॉन्ट का कलर कौन सा रखना है गाइस ये देख सकते हैं, एंड बैकग्राउंड कलर ब्लैक, देन इसको मैं सेव कर देता हूँ. तो यहाँ आ गया ये गर्ल इन स्लो मोशन. देन इसको हम ड्रैग करके ऐसे करके वीडियो के ऊपर ऐसे करके रख सकते हैं, वीडियो के स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं. एंड इसको रिसाइज कर लेता हूँ मैं थोड़ा ऐसे. देन अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ. ये देखिए गाइस, ये ऐड हो चुका है गर्ल इन स्लो मोशन. जैसे ये एंड होगा ये यहाँ पर ये गर्ल आ गया. ठीक है, तो देख सकते हैं. एंड एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ आपको, इसको आप अगर एनिमेट करना चाहते हैं तो एनिमेट भी कर सकते हैं. जैसे कि इसको मैं पूरा रिसाइज कर लेता हूँ वीडियो के बराबर, देन इस पर क्लिक करके जहाँ से हमको ट्रांसफॉर्मेशन ऐड करनी है ऐसे करके, देन ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे, देन इसको यहाँ से ऐसे करके छोटा करके ऐसे करके हम रिसाइज कर सकते हैं.
ठीक है, अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए, तो गाइस ऐसे हम ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट। और गाइस अगर आप एनिमेटेड टेक्स्ट इसके अंदर एनिमेटेड टाइटल ऐड करना चाहते हैं तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इस पर टाइटल पे क्लिक करेंगे, देन एनिमेटेड टाइटल। इसके लिए गाइस मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, आपके सिस्टम के अंदर ब्लेंडर इंस्टॉल हुआ होना चाहिए, ब्लेंडर इंस्टॉल होना चाहिए। एंड मैं कोई एक सैम्पल जैसे कि कोई सा भी एक टाइटल ले लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। देन देन इसके बाद में हम यहाँ से इसको रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ सेटिंग होती है तो यहाँ से हम सेटिंग वगैरह आप देख लीजिएगा। ये डिफ्यूज कलर है, इस कलर वगैरह चूज कर सकते हैं फॉन्ट का, ठीक है। देन इसको हम रेंडर पे क्लिक कर देंगे। तो ये रेंडर होने में गाइस थोड़ा टाइम लेगा, रेंडरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस रेंडरिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इस पर वीडियो पे क्लिक करेंगे। देन ये आप देख सकते हैं ये PNG फाइल के अंदर आ गई। देन इसको हम यहाँ पर ऐसे करके यहाँ ऐड कर सकते हैं एंड इसको रिसाइज भी कर सकते हैं। मैं प्ले करके दिखाता हूँ सबसे पहले आपको, ये देखिए, ये देखिए गाइस जी, ये टाइटल अपने अकॉर्डिंग आप बहुत सारे इसके अंदर टाइटल्स हैं, ये देखिए अभी मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, तो काफ़ी सारे इसके अंदर ऑलरेडी प्रीसेट्स हैं। तो आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको ऑलरेडी बहुत सारे टाइटल्स इसके अंदर मिल जाएंगे, बहुत टाइप के टाइटल, कोई भी आप टाइटल, ये तो मैंने सैंपल बहुत सिंपल मैंने कोई भी रैंडमली पिक करके आपको दिखाया। तो आपको इसके अकॉर्डिंग आप कोई सा भी इसमें टाइटल ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे इफेक्ट हैं इसके अंदर, ठीक है। देन आप उसको सेट करके फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करके कलर चेंज करके देन उसको सेट कर सकते हैं आप, ठीक है गाइस। गाइस अब हम सीखेंगे ग्रीन स्क्रीन या क्रोमा की फीचर के बारे में ओपन शॉट के अंदर। गाइस इसकी मदद से हम किसी ग्रीन स्क्रीन वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड के तौर पर हम वीडियो फाइल का यूज़ कर सकते हैं या किसी इमेज फाइल का यूज़ कर सकते हैं। मैंने इमेज फाइल एक JPEG इमेज का यूज़ किया है इसके अंदर, ठीक है। तो जो बैकग्राउंड होगा, जो बैकग्राउंड हमको रखना होगा, चाहे वो वीडियो फाइल हो या इमेज, उसको हम नीचे रखेंगे जैसे कि मैंने आप अभी आप देख रहे होंगे, और ग्रीन स्क्रीन वीडियो को हम ऊपर रखेंगे। देन हम ग्रीन स्क्रीन वीडियो पे क्लिक करेंगे, देन इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे, देन ये क्रोमा की इसको ड्रैग करके हम वीडियो पे ऐसे ड्रॉप कर देंगे। देन इस पर राइट क्लिक करेंगे, क्रोमा की जो सी आपको आइकन दिखेगा, देन प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, ये की कलर आपको दिख रहा होगा इस पर डबल क्लिक करेंगे एंड कलर चूज़ करेंगे। अभी ये देखिए कलर फिगर से कलर चूज़ कर लेंगे, देन सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए मोस्ट ऑफ द रिमूव हो गया है,
मोस्ट ऑफ द ग्रीन कलर रिमूव हो गया गाइस। गाइस ये इसका भी ध्यान रखिएगा आप, ये जो आपने पॉइंटर है पॉइंटर स्टार्टिंग में रखिएगा, अगर बीच में रखेंगे तो ये अच्छे से वर्क नहीं करेगा, ठीक है। देन हम इसको फज को एडजस्ट करना पड़ेगा, ये जो साइड साइड में आपको अभी दिख रहा होगा, अभी मैं वीडियो प्ले करके आपको दिखा दूंगा। ये ग्रीन कलर, इसको रिमूव करने के लिए गाइस फज को हमको सेट करना होगा, डबल क्लिक करेंगे, देन हम इसको 200 पे सेट कर देता हूँ। अब मैं वीडियो आपको प्ले करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं गाइस आप, ये कंप्लीट रिमूव हो चुका है, ग्रीन कलर कॉर्नर पे भी नहीं बचा है। तो जो थोड़ा बहुत है उसकी एडजस्टमेंट आप फज से कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आप फज को एडजस्ट करके इसका जो कॉर्नर पे अगर थोड़ा बहुत रह जाता है तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। गाइस अब हम सीखेंगे कैसे हम वीडियो को किसी प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के लिए मैं इस रेड बटन पे क्लिक करना होगा, एक्सपोर्ट वीडियो, देन इस प्रोजेक्ट को हम नेम दे देंगे। ओपन शॉट ग्रीन स्क्रीन, देन डेस्टिनेशन फोल्डर जिसके अंदर हमको ये प्रोजेक्ट सेव करना है, प्रोफाइल ऑल फॉर्मेट्स, टारगेट MP4S264, और ये प्रोफाइल जो हमने स्टार्टिंग में सेलेक्ट की, और ये क्वालिटी हम हाई क्वालिटी पे रखेंगे, देन एक्सपोर्ट वीडियो पे क्लिक कर देंगे। तो आपकी वीडियो जो है, ये प्रोजेक्ट है आपका, एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि आप अभी आप देख रहे होंगे। देन इसको हम जैसे ही एक्सपोर्ट हो जाएगा इसको हम प्ले करके देखेंगे। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हेल्थी, स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड गुड बाय।